हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो फाइनली आज हमें लक्ष्य भाई की बाइक पे FZ पे और लक्ष्य भाई हैं हमारी बाइक पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पर आपके जो व्यूज़ आए थे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे लिए, पहली जिस हिसाब से मेरी पहली वीडियो थी उस हिसाब से। सो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क इसमें। तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। अभी हमारा ये डिसाइड नहीं हो पाया था हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और पहली बार हम वाटर पार्क के लिए निकले हैं। बहरहाल लक्ष्य भाई किधर गए? लक्ष्य भाई का अपना रोबोटिक हेलमेट के साथ खतरनाक लुक में भाई पीछे आ रहे हैं। भाई आगे निकालो यार। बहरहाल ये भी अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी फ़र्स्ट टाइम, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, अपनी बाइक के बाद काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं ऐसी कोई नेकेड बाइक चला रहा हूँ जिसका थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर नहीं है। सो मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है यार जब मैं ऐसी बाइक चलाता हूँ, तो मेरे को थोड़ी कट्स वगैरह लेने में या फिर वैसे थोड़ा तेज़ चलाने में, नैरो कट्स लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे को मेरी बाइक पर थोड़ा हाथ सेट है। और ये वाली बाइक ठीक है, ओके ओके, नॉट बैड, बैड क्या अच्छी है काफ़ी। तो निकलते हैं, रास्ते में आपको दिखाते हैं कैसे कैसे। अभी तो हम बाईपास पे जा रहे हैं, आप हालत देख सकते हैं, मौसम हो रहा भाई कतई एक नंबर मौसम। अभी तो बारिश पड़ रही थी पीछे, तो हमने कहा हो गए भाई साहब हमारा वाटर पार्क यहीं पे बन जाएगा रास्ते में जाते जाते ही, बट मौसम हो रहा बहुत बेहतरीन एक नंबर। लक्ष्य भाई से हमने कहा आगे आ जाओ, मतलब देख रहे हो अपनी बाइक को पीछे से देखने का जो मज़ा है ना, मतलब जो फील है माय गॉड। बहरहाल गंदी हो रही है, इसका भी बताऊंगा यार, मेरी जो ना इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से, बिकॉज मेरी जो बाइक थी ना उस पर जो किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, ब्लैक टूट का कर दिया था। सो हमारे ये तब से छुई नहीं थी, समथिंग ऐसे 15-20 दिन हो गए और ज़्यादा ही हो गए होंगे, 15-20 दिन से हमने छुई नहीं थी, खड़ी हुई थी हमारी बाइक शांति से। मम्मी ने कहा तुम अभी छू नहीं सकते हो, पहले हम इसकी पूजा पाठ करवाएंगे, तब तक आप इसे नहीं छू सकते। ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। बारिश में बस यार ये दिक्कत है, थोड़ी कीचड़ वीचड़ ज़्यादा रहती है ना, ओवरऑल तो सही है। और लक्ष्य भाई खतरनाक, इसका फील और उसका फील यार अलग है। मे बी अभी हम हाईवे पे निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में, तो आपको दिखाते हैं। टॉप एंड तो नहीं ले जाएंगे इसका, बट ठीक है तब भी अच्छी खासी चलाएंगे। लक्ष्य भाई पूरा फील लेते हुए यार, भाई क्या लग रही है भाई, जो बात है R15 लगती गजब है पीछे से, पीछे से हो चाहे आगे से हो लुक एकदम खतरनाक आता है। यार चैन वैन भी ल्यूब करनी है मेरे को मेरी बाइक की, खड़ी हुई है काफ़ी टाइम से तो ऐसी हो रही है, वो ल्यूबिकेंट वगैरह सब है हमारे पास, ल्यूब करनी पड़ेगी। क्या देख रहे हो, मेरे पे हैंडल नहीं समझ रहा इसका, थोड़ा नेकेड बाइक का मेरे पास दिक्कत यही आती है, हैंडल वैंडल संभलता नहीं है। चलते हैं जल्दी से पहुंचते हैं। और लक्ष्य भाई खतरनाक लुक में एकदम अग्रेसिव पोस्चर के साथ, पीछे बिट्टू भाई बैठे हमारे साथ। यार बारिश की वजह से जो है ना हर जगह पे पानी कीचड़ ऑन ऑल, बट ये क्या थोड़ा धूल धक्कड़ बची जाती है। क्या हुआ, रेड लाइट है क्या? देख रहे हो रोड है, देख रहे हो अलीगढ़ की यार गड्ढे वड्ढे ऐसे हो रहे हैं, रेड लाइट फॉलो करवाते हैं जबरदस्ती लोग। जीत गई थी कैसी लग रही है भाई? एज यूजुअल A1।
पिला रही है। ये कुछ ही टाइम के लिए अच्छी लग रही है, जब लेके जाएगा ना सिटी में तब पता लगेगा यहाँ पे दर्द होता, तब कहेगा ये वाली बैग ज़्यादा अच्छी है। हाँ MT-15 तो है ही अच्छी, नो डाउट। मेरे को ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है मेरे को। लोगों का काम है कहना यार, लिटरली यार बारिश में बस सारी जो ना रोड वोड सब साफ हो जाती हैं, बट ये कि थोड़ी कीचड़ वीचड़ हो जाती है। और कहाँ ला रहा भोसड़ी के साइड में कर ले सर, दिख रहा है भाई इधर कीचड़ है, बाइक हम नहीं चला सकते इधर, बट फिर भी उधर ही घुसना है। लक्ष्य भाई जो है ना छींटे मारते हुए जा रहे हैं बाइक से, काफ़ी पीछे तक छींटे मार रही है यार, मेरे को लिटरली नहीं पता लग रहा मेरी बाइक कितने पीछे छींटे मार रही है। पीछे वाले को तो कर देती होगी सही एकदम। इसका एक इंडिकेटर कैसा लग रहा है भाई, लिटरली जो है ना इसका एक इंडिकेटर तोड़ दिया था किसी ने, तो वो मैंने जुगाड़ से सही किया था, तो एक थोड़ा टेढ़ा है और एक एकदम स्ट्रेट है। लग कैसी लगी पीछे से इंडिकेटर। आ गई मैं यार पानी, ओ माय गॉड। बिट्टू भाई अपने पैरों को साफ करता हुआ, जो पंचोल R15 में वो थोड़ा इसमें नहीं मिल रहा है मेरे को FZ में, जो थोड़ा स्पोर्टीनेस और वो है वो सब मिस कर रहा हूँ। बिट्टू पीछे देख रहा है बार बार कि उसकी टी शर्ट तो नहीं की गंदी हो रही, अभी जाके मैं बोलता हूँ उससे पीछे से टी शर्ट गंदी हो गई, फिर देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। अरे रोक लो यार इतनी तेज काहे चला रहे हो। नो काय वगैरह जाती है भाई यहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा, ओ माय गॉड देख रहे हो यहाँ पे बारिश की एक बूंद नहीं है, उस साइड बूंदी बूंद है, माय गॉड क्या है ये। बिट्टू तेरी शर्ट गंदी हो गई पीछे से। हाँ कैसे कर रहा, हाँ थोड़ी हो गई है मतलब, यहाँ पे गंदी हो रही है ऊपर यहाँ पे पीठ पर। हाँ मतलब मिट्टी लग गई है पूरी, वो पानी की कीचड़ आ गई है, पानी की कीचड़ आ गई है, वो पानी पीछे से बाइक मार रही थी ना। आजा आजा लो भाई बंदा। और कहेगा मम्मी मारेगी मेरी। हाँ मजा आ गया, अभी भी साफ कर रहा भाई। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, बोलते ना कर्मा, मैं उसका भी साथ मजाक कर रहा था और मेरे साथ मजाक हो गया, पूरी बाइक पे चीटे चीटे कर दिया लक्ष्य भाई ने। कर्मा इंस्टेंट रिव्यू, मैं उससे मजे ले रहा था, दुनिया भगवान ने मेरे साथ मजे ले लिए, वाह नाइस। सर क्या कर दिया आपने ये, और क्या आपने बाइक से छींटे मार दी मेरे ऊपर। बिट्टू की और ज्यादा हालत खराब हो गई भाई, वाकई में अब तो सही कह रहा है। और यहाँ से रोड आती है एकदम खाली बेहतरीन, जितनी भगा सकते हो उतनी भगा लो। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम हाईवे पर पहुँच जाएंगे, सो फील आ रहा है भाई नेकेड बाइक चला रहे में, जो बात है आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर ड्राइविंग नेकेड बाइक्स, वी आर नहीं आई एम ड्राइव नेकेड बाइक, सो ओके बट लक्ष्य भाई कह रहे हैं इधर से टर्न ले लो आगे से नहीं जाना हमको। अच्छा आ रहा भाई जो बात है।
Woo!